हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट। ये चाट नॉर्मली मॉल्स में या थिएटर में ही मिलती है, लेकिन ये बहुत ही इजीली बन जाती है, इसलिए आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कॉर्न चाट बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी कॉर्न, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, आधा नींबू और बटर। चाट बनाने के लिए पहले कॉर्न को बॉईल कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया, अब इसमें कॉर्न डालेंगे। हमें कॉर्न को 5 मिनट के लिए उबालना है, इसके बाद हम इसे छलनी में निकाल लेंगे। कॉर्न को बॉईल होते 5 मिनट हो गए हैं, कॉर्न अच्छी तरह पक गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें ये कॉर्न डालेंगे जो हमने छलनी में निकाले हैं। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और इन कॉर्न्स को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। बटर के साथ कॉर्न को भूनने से कॉर्न का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखा है। 2-3 मिनट हो गए, कॉर्न अच्छे से भुन गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून साल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, इन सबको मिक्स करेंगे। इन्हें मिक्स कर इसमें डालेंगे लेमन जूस। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लेमन जूस को मिक्स करके इन कॉर्न्स को गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। स्वीट कॉर्न चाट सर्व करने के लिए रेडी है। ये चाट गर्मा गर्म ही सर्व की जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।